क्या जी, समझ नहीं आई? कोई बात नहीं यार, नहीं नहीं कोई एक्सक्यूज भी नहीं। लेबर वाले चैप्टर 15 मिनट पढ़ ले सुकून से, बस 15 मिनट बस। जो मैंने आपको लेबर का चैप्टर पढ़ाया था उसमें लर्निंग कर्व एक पोर्शन छोड़ा था, उस पर सेपरेट सवाल भी आ सकता है। और अभी तक टेस्टिंग उसकी ये है कि वो जो डिसीजन मेकिंग का ग्रेड पढ़ रहे हैं हम, इनके साथ मिक्स होकर टेस्ट होता है। ये सिलेबस में आया था 2017 में, तो उसके बाद से सेपरेट सवाल नहीं आता है इसका, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस में मिक्स होता है। इसलिए मैं डिसीजन मेकिंग से पहले पढ़ा रहा हूँ, तब पढ़ाता तो भूल चुके होते अब तक। इन्वेंट्री मैनेजमेंट खत्म हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट खत्म। इन्वेंट्री मैनेजमेंट खत्म हो गया जिसमें दो तरह के डिसीजंस थे, ओक्यू डिसाइड किया था और ये इन्वेंट्री लेवल्स थे। खत्म हो गया चैप्टर। अब ये लेबर वाले चैप्टर का एक पोर्शन है, ये वो है। ये चैप्टर गालिबन 4 था। ये मेरा ख्याल है कि 4 ही था, 4 है। लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट समझ लें। जब एक ही चैप्टर के बिल्कुल सेम फॉर्मेट के सिर्फ वैल्यूज बदलते बदलते सवाल जब रिपीट होते जाएंगे तो सवाल करने पे जो टाइम लग रहा होगा वो कम होता जाएगा। क्यों? प्रोसेस कॉस्टिंग, रिपीटेशन होती रहेगी तो डेटा को प्रोसेस करना, कौन कौन सी लाइन लिखनी है, ये एक तो लिखने की स्पीड भी बढ़ती रहेगी, प्रोसेस करने की स्पीड बढ़ती रहेगी। इसी तरह से ये जो बाकी भी कोई भी स्किल है, ये फोटोकॉपी वाला जो आप ऊपर फोटोकॉपी कभी कराएं तो उसका मशीन खोलना, उसमें कागज रखना, कागज पलटना, पेज रखना, ये पूरा जो भी प्रोसेस है, ये जब बिल्कुल पहली दफा किसी ने काम सीखा होगा तो उसको टाइम ज्यादा लगा होगा। जैसे जैसे आदि होता गया उसकी ये काम करने की स्पीड इंप्रूव होती गई। और इसी तरह से कीबोर्ड टाइपिंग हो गई, कोई भी काम, बाइक चलाने में तो खैर टाइम की इंप्रूवमेंट नहीं है, वो काम जिसमें टाइम लग रहा है, चले बाइक का पंक्चर लगवाया है, अब जिसने बाइक का टायर खोलना है, ट्यूब निकालनी है, पंक्चर चेक करना है, कारीगर बंदा होगा तो 5-7 मिनट में पंक्चर लगा के वो फारे। लेकिन अगर नया नया बच्चा काम सीख रहा है तो उसे भी वो नट खोलने में ही टाइम लग जाएगा। इसी तरह से फैक्ट्री वर्कर है, जिस कपड़े की कटाई करनी है, सिलाई करनी है, मशीनों में कपड़ा रखना है, मशीनें से निकालना है, जो वर्कर सेम काम रिपीट 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 करता जाएगा, हर अगले स्टेप में, हर अगली रिपीटेशन में उसकी स्पीड बेहतर होती जाएगी, यानी टाइम कम लगता जाएगा क्योंकि वो तजुर्बे से सीखता जा रहा है। ये है लर्निंग का इफेक्ट। अब इस लर्निंग के इफेक्ट में किसी साइंसदान ने एक थ्योरी बनाई। अच्छा, इस थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट देखें। ये मैं सामने डेटा लिख रहा हूं और आप इसको मर्जी नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा। हो सकता है कि ये जिसने भी थ्योरी बनाई उसने किसी वर्कर का एक डेटा लिया हो, जिस तरह खिलाड़ियों का स्टैट्स होते हैं ना कि एवरेज कितना और छक्के कितने और चौके कितने, स्ट्राइक रेट, उस तरह इस थ्योरी लिखने वाले ने हो सकता है किसी एक वर्कर का डाटा लिया हो और वो डाटा इस तरह से हो कि जब वो एक वर्कर ने पहला यूनिट बनाया था तो उसको वो पहला यूनिट बनाने में लेट से 60 आवर्स लगे थे। जब वो दो यूनिट्स बना चुका था जब वो दो यूनिट्स बना चुका था तो उसका इन दो यूनिट्स में टोटल टाइम इतना लग चुका था,
दूसरे यूनिट में कितना टाइम लगा था? 54 48. कैसे? एक यूनिट तक टोटल इतने लग चुके थे, दो यूनिट तक टोटल, तो फिर दूसरे यूनिट में 48. जब तीन यूनिट बना चुका था, जब चार बना चुका था, अब एक काम करें, इसको 0.9 करिएगा 54 को, 48. इसको चार से मल्टीप्लाई करें, 4.4. इसको 0.9 करें, 43. इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, 0.92. इसको 0.9 करें, 39.37. इसको 16 से मल्टीप्लाई करें, 629. ये एक बर्गर का रिकॉर्ड है, ये जो 8 लिखा हुआ यहां पर और इसके आगे 349 आवर्स, इसका मतलब है कि 8वां यूनिट 349 आवर्स में बनाया था। जब 8 यूनिट्स बना चुका था तो टोटल इन पे इतना टाइम लगा चुका था। इसी तरह जब 16 यूनिट्स बना चुका था तो टोटल टाइम 6029. ये उसका पूरा स्टैट्स है, पूरा पहले यूनिट से लेकर, जितना खिलाड़ी है इतने मैच खेल चुका है इतना टोटल स्कोर है। तो इसी तरह से इतने यूनिट जब वर्कर टोटल बना चुका तो वो इन पे टोटल इतना टाइम लगा चुका। ये क्या है? हर लाइन में एवरेज, यानी जब उसने 8 यूनिट बनाए थे और टोटल टाइम इतना लगा चुका हुआ था तो अब वो एवरेज एक यूनिट पे कितना टाइम लगा रहा था, इसका मतलब है उसने 8वां यूनिट इतनी देर में बनाया। अगर 22 ओवर हो चुके हैं और रन रेट 7 है, इसका मतलब 22वें ओवर में 7 रन पड़े, फिर हो सकता है एक भी ओवर में 7 रन ना पड़े हो, लेकिन 22 ओवर होने तक जो टोटल स्कोर हो चुका है उसका एवरेज कुछ ऐसा बन रहा है जैसे हर ओवर में 7 रन पड़ रहे हैं। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह चौथे यूनिट में 48 आवर्स लगे थे, फिर चार यूनिट्स तक जितना टोटल टाइम हो चुका था उसके मुताबिक एवरेज निकलती तो वो ये। ये सारा डाटा सामने लाने के बाद उस साइंसदान ने एक चीज ऑब्जर्व की, उसने एक पैटर्न ये देखा कि जब भी ये वाला कॉलम बढ़ रहा है तो उसके सामने जो एवरेज है, नहीं वो तो कम हो ही रही है, मुझे लेट मी एक्सप्लेन, यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं तो एवरेज तो कम हो रही है, लेकिन किसी भी लाइन को देखें तो उससे जब हाफ था, इस लाइन में जो एवरेज है ये उस पिछले हाफ का एक परसेंटेज होगा, ये इसका कितना परसेंट है, इसका हाफ 4, ये उसका कितने परसेंट है देखिए, इसका हाफ 2, ये इसका कितने परसेंट है, 0.9. ऑब्जर्वेशन ये है कि व्हेनेवर आउटपुट इज डबल्ड, एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट इज रिड्यूस्ड बाय अ कांस्टेंट परसेंटेज। व्हेनेवर आउटपुट इज डबल्ड, एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम इज रिड्यूस्ड बाय अ कांस्टेंट परसेंटेज। ये इस साइंसदान भाई ने ये जो कॉन्स्टेंट परसेंटेज है यानी 90%, इसको लर्निंग रेट कहते हैं, लर्निंग रेट, यानी इस मिसाल में लर्निंग रेट 90% है। हर वर्कर का अपना अपना हो सकता है लर्निंग रेट, इसकी थ्योरी ये है कि हर वर्कर का एक लर्निंग रेट होगा, लेट्स से 95%। तो उसकी एप्लीकेशन क्या है कि जब भी उस वर्कर जिसका लर्निंग रेट 95% है, कि जब भी उसकी क्यूमुलेटिव आउटपुट डबल होती जाएगी, उस पे जो एवरेज है वो जस्ट पिछले वाले एवरेज का नहीं, उसका जो हाफ था उसके लिए वो एक लर्निंग रेट के बराबर फिगर होगी। जैसे इस वर्कर का लर्निंग रेट 90% है, तो इधर जो ये फिगर लिखी आ रही है
वो आठ वाली लाइन में लिखी हुई फिगर का 90% होगा। अगर किसी वर्कर का लर्निंग रेट 85% है तो यहां जो 16 में लिखी हुई फिगर आ रही है एवरेज, वो 8 के सामने लिखी हुई फिगर का 85% है। और ये बात सिर्फ ये 2, 4, 8, 16 पे नहीं है, 34 के ऊपर जो लिखा हुआ नंबर आ रहा होगा 34, तो जो 17 पे लिखा नंबर आ रहा था उसका वो एक कांस्टेंट परसेंटेज होगा। ये तो मैंने डाटा लिखना था तो 2, 4, 8, 16, 32, 64 बना दिया ना, वरना ये बात 2, 4, 8 के लिए नहीं है, डबल्ड के लिए। 12 देखना होगा, अगर मैं 12 वाली लाइन देखूं तो जो 6 वाली लाइन थी 12 वाली लाइन में लिखा हुआ एवरेज, उस 6 वाली लाइन में लिखे हुए एवरेज के इतने परसेंट होगा। 28 वाली लाइन देखनी है, 28 तो वो जो 14 वाली लाइन है उसके एवरेज का वो कांस्टेंट परसेंटेज। ये कहानी सुनाने के बाद इसने एक बना दिया फार्मूला, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, और यहां पर b का मतलब है log लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log 2। इस फॉर्मूले में b का मतलब यह है, ये क्या है, अच्छा लर्निंग रेट 90 नहीं लिखना, 0.9, और ये 2 ही है, ये 2 ही है log 2, और इस फॉर्मूले में a से मुराद है टाइम टेकन फॉर सबसे पहला यूनिट, जो कि इस मिसाल में क्या है 60, सबसे पहला यूनिट जो इस वर्कर ने बनाया था उस पे जो टाइम लगा था ये वो, और y है एवरेज क्यूम्यूलेटिव टाइम पर यूनिट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स है, एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स, टू कैसे है, टू टू है, टू की वजह से ये है जी। ये फॉर्मूला याद करना आपने, बताते हैं ना, मिलेगा मिलेगा, बिरयानी नहीं मिलेगी लेकिन मिलेगा कुछ, कैलकुलेटर वगैरह। इसमें इस मिसाल में लर्निंग रेट क्या है 90%, तो अब आपके कैलकुलेटर के ऊपर एक LOG का बटन होगा। अच्छा एक LOG होता है और एक LN होता है, नेचुरल लॉग, LN नहीं LOG, LOG ब्रैकेट खुल जाएगा 0.9, ब्रैकेट बंद कर दें, डिवाइडेड बाय लॉग, फिर आगे ब्रैकेट खुलेगा 2 ब्रैकेट बंद इक्वल माइनस 0.15, ये आगे चलता जाएगा, 3 डेसिमल मुनासिब है, 3 डेसिमल मुनासिब है, ये क्या आंसर आ गया, ये बी है। इस मिसाल में ए कितना है 60, अगर मुझे ये आंसर कैलकुलेटर पे चाहिए तो एक्स क्या रखूं 16, 16 पावर ये, दोबारा, इस मिसाल में ए क्या है 60, अगर मैं ये आंसर निकालना चाहूं, ये वाई ए है वाई, ये आंसर निकालना हो तो ये एक्स कितना है 16, तो यहां 16 रखें और पावर में माइनस 0.152, और फिर आंसर है जी, ये क्या है, ये वाई है, ए जब इस वर्कर ने पहला यूनिट बनाया था तो कितनी देर का बनाया, कितनी देर लगी थी, वो ए है जी। अच्छा ये वाला कर रहे हैं, एक ही था ना, तो 60 घंटे लगे थे 60, और इसमें से जो भी सॉल्व 8 करके देखने कैलकुलेट, एक्स की जगह 8 रखें, एक्स की जगह 8 रखें, तो अब हम कल प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें ना ये फॉर सम reasons ये फिगर्स कैलकुलेट करनी हुआ करेंगे, उनमें फिर ये फार्मूला काम आएगा, नहीं ग्राफ जरा नहीं बनाने, इस नहीं कर तो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा
एवरेज टाइम पर यूनिट रिड्यूस होता जाएगा, इसलिए कर्व कहते हैं। क्या जी, क्या नहीं समझ आया बताए ना। नहीं कोई 10 मिनट के लिए नहीं, यूट्यूब होता। ये फार्मूला है, इसमें ए से मुराद, और ये मैंने समझाते हुए एक वर्कर बताया, पूरी कंपनी भी हो सकती है। कंपनी ने जो सबसे पहला यूनिट बनाया था, क्योंकि कंपनी के भी तो प्रोसीजर्स इंप्रूव हो रहे होंगे, तो ये वो टाइम है एक्स, जितने यूनिट्स के बाद ये निकालना चाह रहे हैं वो एक्स है, और बी ये ऐसे निकलेगा, और जिसमें ये लर्निंग रेट होगा वो कल पता चलेगा। इस फार्मूले से यह निकलेगा, ये 16 यूनिट का टाइम है, 16 यूनिट बनने के बाद उस वक्त रन रेट क्या चल रहा था, ये वो है। ये 16वें ओवर की मार पड़ी हुई नहीं है, ये 16 ओवर होने के बाद जो रन रेट है ये वो है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।